हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज हम कैवियट पिटीशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कैवियट पिटीशन के बारे में हमें सीपीसी में यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में 148A में बताया गया है कि ये कैवियट इसके तहत फाइल होती है, यानी कि कैवियट जो फाइल करेंगे हम, कैवियट सेक्शन 148A सीपीसी के तहत फाइल करी जाएगी। देखिए, अब सबसे पहले कैवियट समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार कैवियट का मतलब क्या होता है। कैवियट कैवियट एक लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ, जिसका मतलब होता है बी अवेयर, यानी कि अलर्ट कर देना किसी चीज़ को। तो कैवियट एक तरीके की जो सूचना होती है जो एक पार्टी जो है कोर्ट को देती है, यानी कि एक पार्टी, जैसे मैं पार्टी हूँ, मेरा कोई मैटर है, मामला है, मैं कोर्ट में जाऊँगा, कोर्ट को बताऊँगा, एक एप्लीकेशन दाखिल करूँगा जिसमें मैं कोर्ट को बताऊँगा कि जो है फलाना फलाना गतिविधियाँ हुई हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि कैवियट एक एप्लीकेशन टाइप का फॉर्मेट होता है जिसमें मतलब हम कोर्ट को जाके बताते हैं कि हमको बिना नोटिस दिए हुए, बिना सूचना दिए हुए विपक्षी पार्टी को आप कोई रिलीफ नहीं देंगे। यानी कि कैवियट का अर्थ ये हो गया कि कोर्ट विपक्षी पार्टी को ना कोई रिलीफ देगा, ना स्टे लगाएगा, ना ही कोई एक्शन लेगा। यानी कि कैवियट एक तरीके से बचाव का तरीका है, यानी कि एक तरीके से रिलीफ हो गई, अलर्ट कर देने का मामला हो गया कैवियट। ठीक, अब जैसा कि मैंने बताया 148A में सीपीसी में ये बताया गया है। अब जो व्यक्ति कैवियट फाइल कर रहा होता है, यानी कि जैसे मैं अगर कोई कैवियट कोर्ट में फाइल कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कोर्ट में हम कैवियटर कहलाएंगे, जो कैवियट फाइल करेगा वो कैवियटर कहलाएगा। अब देखिए, कैवियट पिटीशन जो है 148A के अंतर्गत फाइल करी जाएगी। ठीक है, अब इंडियन कोर्ट में कैवियट पिटीशन का मतलब होता है कि आप कोर्ट से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति के अगेंस्ट कोर्ट ने कोई मामला दर्ज किया है जिसमें आपका कोई जो है वैलिड इंटरेस्ट है, तो कोर्ट के द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, उस मामले में कोर्ट जो आदेश पारित नहीं करेगा, और उससे क्या होगा कि मतलब बिना सुनवाई के जो है फैसला नहीं देगी। यानी कि कैवियट पिटीशन जो होती है, कैवियट पिटीशन जो हम लोग ज्यूरिसप्रूडेंस में जैसे कि पढ़ते हैं, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के सिद्धांत को फॉलो करती है, यानी कि बिना सुनवाई, ठीक है, बिना प्रॉपर सूचना दिए हुए कि कोई भी निर्णय कोर्ट नहीं देगा, उस जो जैसा मामला बना हुआ था उसको यथास्थिति मेंटेन रखी जाएगी, उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं किया जाएगी। यानी कि कैवियट पिटीशन एक तरीके से अगर हम देखें तो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस को फॉलो करती है कि जैसे कोई एप्लीकेशन आई है कि भैया फलाने चीज़ को निरस्त कर दो, तो हमने कोर्ट में जाके एडवांस में कैवियट फाइल कर दिया कि भैया कोर्ट जज साहब ये चीज़ें हैं, ये हमको बिना सुनवाई का अवसर दिए हुए अगर आप कोई ऐसा आदेश पारित करते हैं तो इससे मेरे मौलिक अधिकारों का या जो व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो जाएगा। कैवियट पिटीशन बेसिकली एक तरीके का बचाव है। इसका क्या फ़ायदा होता है, जो लोग फ़ायदा उठाते हैं उससे क्या हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए इसका फ़ायदा जो लोग उठाते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई वाद उनसे संबंधित है, कोई एक्शन लिया जा सकता है, तब लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, तब कैवियट डालते हैं। ठीक है, कैवियट पिटीशन की जो वैधता होती है उसका टाइम पीरियड होता है, कैवियट पिटीशन की जो वैधता का सिस्टम है उसका टाइम पीरियड है वो 90 दिनों का होता है। ठीक, अब कैवियट पिटीशन आप जो है कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, सीधे कोर्ट में फाइल कर दिए, और जिसका इम्पैक्ट जो होगा 90 दिनों तक होगा। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया कि कैवियट का मतलब ये हो गया कि बिना सुनवाई के, बिना प्रॉपर सूचना दिए हुए कोई भी एक्शन कोर्ट नहीं लेगा, और दूसरी चीज़ इसकी वैलिडिटी 90 डेज की होती है, इसको आप कोर्ट में फाइल करेंगे, और वो फाइल कौन करेगा, जो पीड़ित होगा या व्यथित होगा या जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से होगा। अगर देखिए, मान लीजिए अपोजिट पार्टी जो होती है, अगर हमने मान लीजिए कैवियट फाइल कर दिया, अगर अपोजिट पार्टी है जो 90 दिनों के अंदर जो है कोर्ट में केस फाइल कर देती है, ठीक है, उससे संबंधित आपको सूचना भेजी जाती है, फिर अब जब 90 दिनों का जो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, ठीक, अब 90 डेज का टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो दोबारा से यानी कि आपको कैवियट फाइल करनी होगी। अगर 90 दिनों का टाइम पीरियड पूरा हो गया कैवियट के मामले को लेके, तो आपको कैवियट दोबारा से फाइल करना होगा, और आपको कैवियट पिटीशन में अपोजिट पार्टी का नाम बताना होगा जिस पर आपको शक है कि उसके खिलाफ जो है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है। ठीक है, कि आप कैबिनेट सिर्फ हवा में गए फाइल करके चले आए कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। आपको कोर्ट को बताना होगा कि ये पर्टिकुलर आदमी मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है, या इस मामले में मेरे खिलाफ कोई मामला बनता है जिससे मुझे रिलीफ चाहिए, बचाव चाहिए, कि मुझे बिना सूचना के गिरफ्तार ना किया जाए, या मेरी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा अब्जा ना किया जाए, या मेरी प्रॉपर्टी को तोड़वाया ना जाए। ठीक है, ये मामले आपको बताने होंगे। अब कैवियट में देखिए, जो सेक्शन 148 सीपीसी का है, जो कैवियट डायरेक्ट करने का अधिकार दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी आप जब जब किसी को अंदेशा होता है कि अपोजिट पार्टी कोई एक्शन ले लेगी, ठीक है, तो उसी कोर्ट में जो है कैवियट फाइल कर दिया जाता है, ताकि अपोजिट पार्टी कोई भी एक्टिविटी जब भी करेगी तो उसको कोर्ट को सूचित करना होगा। यानी कि अपोजिट पार्टी कोई भी एक्टिविटी करेगी तो कोर्ट सूचना देगा,
ठीक है। अब कैविएट पिटीशन देखिए, ये समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिरकार कैविएट पिटीशन जो है उसको फाइल कौन कर सकता है। अब कैविएट पिटीशन ऐसा आदमी फाइल कर सकता है जिसको डर है कि विपक्षी पार्टी कोई एक्शन लेने वाली है। एक बार जब कोई कैविएट फाइल कर दी जाती है तो ये कोर्ट की ड्यूटी हो जाती है कि कैविएटर को नोटिस भेजे, ठीक, और उस व्यक्ति को बाद में इन्फॉर्म करे जिसके खिलाफ फाइल किया गया, कि मतलब पहले कैविएटर को नोटिस भेजी जाएगी उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी उस आदमी को जिसके खिलाफ कैविएट फाइल की गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैविएट आखिरकार हम लोग फाइल करने जा रहे हैं, एज अ वकील अगर हम कैविएट फाइल करने जा रहे हैं तो कैविएट में क्या क्या होना चाहिए। कैविएट में देखिए सबसे जरूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ें आवश्यक हैं, निम्न बातें मेरी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कैविएट में आवश्यक है। कैविएट में कोर्ट का नाम जरूरी होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर कैविएट, जहाँ पर वाद जो है फाइल किया गया उस कोर्ट का नाम होना चाहिए। अगर वाद का कोई नंबर है आपके, ठीक है, तो उसे को भी मेंशन करना होगा, वाद नंबर आपको मेंशन करना होगा, उस व्यक्ति का नाम जिसके बिहाफ पर कैविएट फाइल करी जा रही है ये होना चाहिए, ठीक, और उस वाद से रिलेटेड जो भी, उस केस से रिलेटेड जो भी आपके पास डिटेल्स हैं, जानकारियाँ, वो सारी जानकारियाँ इस कैविएट में आपकी होनी चाहिए। अब कैविएटर का जो होगा पूरा पता साफ साफ लिखा होना चाहिए ताकि कोर्ट को पता चल सके आखिरकार नोटिस कहाँ भेजना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्लियर हो जाता है कि आखिरकार कैविएट क्या होती है। कैविएट एक तरीके का बचाव का मामला होता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ताकि अपोजिट पार्टी आपके खिलाफ कोई एक्शन ना ले सके और आपको बिना सुनवाई का अवसर दिए, बिना सूचना दिए हुए कोई भी मामला आपके खिलाफ बनाया ना जा सके। आशा है आप लोगों को ये कैविएट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा ताकि आप लोग सपोर्ट करें इसको, लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।